क्या ऐसी ही है तुम्हारी कहानी में? अब तक आपने देखा कि एक गांव में निरीक्षण के लिए आई वीडियो साहिबा यानी रमिया जब पाती है कि वहां के मजदूरों के बच्चे अनपढ़ हैं तो उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। वह उन्हें बताती है कि कैसे उसने जिद करके अपने माता पिता को स्कूल भेजने के लिए मनाया था। तभी वीडियो साहिबा का ध्यान पास में से आ रही गाने की आवाज़ की ओर जाता है। यह जानकर उसे दुख होता है कि किसी बच्ची की शादी हो रही है। उसे याद आता है वह दिन जब उसके माता पिता भी उसकी शादी कर देना चाहते थे और जब उसने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसकी एक न सुनी। अगले दिन जब रमिया की अध्यापिका उसके उदास होने का कारण पूछती है तो वह पूरी बात बताती है। उसकी शादी की खबर सुनकर अध्यापिका को हैरानी होती है। वह रमिया के माता पिता से बात करने उसके घर जाती है। काफ़ी समझाने के बाद रमिया के माता पिता अध्यापिका की बात मान लेते हैं और इस तरह उसकी शादी होने से रुक जाती है। अब देखिए उसके आगे। भली कही मेम साहब आपने, अगर आपकी मास्टरनी ठीक समय पे ना आती तो आज आप भी कहीं चूल्हा चौका देख रही होती। हाँ धनीराम, जब कुछ अच्छे लोग हमारी जिंदगी में आते हैं तो फिर हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। पढ़ने से और ऐसे लोगों की प्रेरणा से न केवल मेरा बल्कि मेरे पूरे परिवार का उद्धार हो गया। वो कैसे मेम साहब? बताती हूँ। माँ जरूर पहुंच जाना जैसे ही, देर मत करना और हाँ बाल अच्छी तरह से बांधना। अच्छा बापू तुम भी अच्छी तरह से तैयार होना, कोई ये ना कहे कि कैसे अनपढ़ गंवार आ गए। अच्छा मेरी माँ जा तू अच्छा, ले जा चलती हूँ। रमिया रुक, क्यों क्या हुआ माँ? कैसी लड़की है, पूछती है क्या हुआ? देखा नहीं तेरे बापू ने चार पांच बारी छींक दिया। फिर क्या, फिर तो ठहर थोड़ी देर ना, मालूम का आप सबको नहीं हो जाए। अरे भगवान जाने दे उसे, अरे अपनी पढ़ी लिखी बिटिया के सामने इस तरह की बातें मत कर। तुम तो सखिया गए हो जी, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में बेटी का अनिष्ट कर दूं? ना बाबा मुझसे ना होगा। अम्मारी जाने दे, अगर समय पे ना पहुंची तो बहन जी डांस से निकाल देंगी। जा बेटी तू जा, रो कर अपना जी खराब मत कर, तेरी माँ तो टोक टोक कर अब सुपनी खुद ही कर देगी। ए, रुक, अजी क्यों विनाश करने पर तुले हो बेटी का? ए, रम्या! ए, भगवान अब तू ही बचा। अरे खाम खा दिमाग खराब मत कर, याद कर इससे पहले तूने मुझे कितनी बार जाने से रोका, कभी बिल्ली आ गई तो कभी छींक आ गई, तूने तो मेरा बड़ा ही नुकसान करा दिया। तुमसे क्या कहूं, बेटी के सुर में सुर मिलाने लगे हो। कह देती हूँ लड़कियों को ज्यादा सिर चढ़ाना ठीक नहीं होता। ये देख ये लड़की लड़का ज्यादा मत किया कर, और उठ जाकर हाथ मुंह धो ले। अरे जलसे में जाना है कि नहीं? सुनो रे भाइयों, प्यारी बहनों, सत्यानाश चौपट। अरे क्या हुआ? अरे यहाँ इतना बड़ा अपशकुन हो गया और तुम बोलते हो कि क्या हुआ? अरे
होने से पहले ही तुमने छींक मार दी। एक छींकता, दो छींकते, तीन ही छींक लेते, पर यहाँ तो पूरा का पूरा कुनबा ही। अब हम नाटक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या तुमने सुना नहीं, कार्य शुरू करते समय छींक दे जो कोई तो फिर ऐसा जानिए कार्य सिद्ध ना होए। ये तो गड़बड़ हो गई महाराज। महाराज इसका कोई उपाय है? एक उपाय है। तो बताइए ना। छींक देने के बाद फिर से छींके जो कोई तो फिर ऐसा जानिए कार्य अवश्य ही होए। लेकिन महाराज छींकना तो स्वाभाविक क्रिया है। हाँ, जब आएगी तब आएगी। इसका भी उपाय है। तो बताइए ना। आप सब लोग बैठ जाइए। बैठ गए। अब अपने दाहिने हाथ से एक घास का तिनका तोड़िए। तोड़ लिया। अब अपना बायां हाथ अपने माथे पर रखिए। रख लिया। ओवर टू माय पार्टनर। अब अपने तिनके को अपनी नासिका में प्रवेश कराते हुए बोले ओम ओम। अब धन्य है महाराज, अब धन्य है। अच्छा हुआ जो रमिया का दाखिला करा दिया, नहीं तो कितना बड़ा पाप हो जाता। और ये दिन आज देखने को नहीं मिलता, कितना अच्छा लग रहा है। देखो कैसे अपनी बिटिया सबके बीच में नाच रही है। मैं तो धन्य हो गया। नहीं,
इस रमिया के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस छोटी सी जान को मैं वो सब नहीं भुगतने दूंगा जो बड़ी बिटिया के साथ हुआ। मैं तो इसको खूब पढ़ाऊंगा, खूब लिखाऊंगा, कम से कम ये अच्छे बुरे की पहचान तो कर सकती है। और तो और, कम से कम घर में जब चिट्ठी आएगी उसको पढ़ तो सकती है, हमें पढ़ के सुना तो सकती है। हम भी सबसे कह सकते हैं हमारी बिटिया पढ़ी लिखी है, वो चिट्ठी पढ़ सकती है, वो चिट्ठी लिख सकती है। कितना अच्छा लगेगा। मारे घर में छोरा छोरी में फर्क ना हो मेरे, में फर्क ना हो मेरे। अरे मैं भी कोई भाई, अरे मैं भी कोई, फर्क ना मानूं बैठी देखे रे कि सागे भेज दे। हाँ सागे भेजू रे, हाँ सागे भेजू, हाँ सागे भेजू रे। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, शिक्षकगण एवं गांव के सभी निवासियों, आज स्कूल के वार्षिकोत्सव पर मैं आपका एक ऐसी लड़की से परिचय करवाना चाहूंगी जिसने आज अपनी लगन से स्कूल का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया है। बहुत मेहनती लड़की है रमिया, घर में माँ का पूरा हाथ बटाती है और पढ़ाई भी खूब लगन से करती है, स्कूल के हर कामों में अव्वल रहती है। अब मैं रमिया के माता पिता से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए। आपका अगर सहयोग ना होता तो रमिया आज यहाँ इनाम न ले रही होती। अब मैं अपने प्रिंसिपल साहब से भी अनुरोध करूंगी कि वे भी स्टेज पर आए और रमिया को इनाम दे। आइए आप लोग, आइए। जाओ रमिया के माँ बाप, जाओ ना। आइए ऊपर आइए। आजा आजा। आओ रमिया, तुम भी आओ। आशीर्वाद के दो शब्द कहें। जी। हमारे विद्यालय के शिक्षकगण, अभिभावकों एवं प्यारे बच्चों, आज मैं इस अवसर पर रमिया और उसके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आज रमिया ने न केवल हमारे विद्यालय का बल्कि हमारा भी नाम रोशन किया है। मैं चाहता हूँ कि रमिया और आगे बढ़े और पढ़ लिख कर कुछ बने। इसके लिए आज मैं इनाम के साथ साथ रमिया को हर महीने विद्यालय की ओर से छात्रवृत्ति देने की घोषणा करता हूँ। और आप सब सज्जनों से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने और अपने आस पड़ोस के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने की प्रेरणा दें। हाँ, एक खुशखबरी और है आप सबके लिए, आज से हमारा ये विद्यालय शाम को भी खुला करेगा, जिसमें आप सब बड़े लोग अपना काम धाम निपटा कर पढ़ने के लिए आ सकते हैं और रमिया की तरह इनाम भी पा सकते हैं। और हाँ, आपकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। इस साक्षरता अभियान के अंतर्गत न केवल पढ़ना लिखना सिखाया जाता है बल्कि आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य, घर और गाँव की साफ सफाई और रोजगार संबंधी जानकारियां भी दी जाती हैं। इस अभियान से दूसरे गांवों के कई लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। मुझे उम्मीद है कि हमारा गांव भी इस अभियान से जुड़ेगा और पूरा पूरा फायदा उठाएगा। धन्यवाद। अब रमिया के माता पिता भी दो शब्द आपसे कुछ कहेंगे। अम्मा तुम तो कुछ बोलो, बापू तुम तो कुछ बोलो, बोलो ना अम्मा। अनपढ़ गवार लोग जी, अब
हम का बोले की अम्मा अब चौका बर्तन छोड़कर स्कूल जाने की तैयारी हो रही का? ये भी कोई उम्र है मेरी पढ़ने की? मैं तो बस यूं ही देख रही थी हमारी बिटिया क्या पढ़ती है स्कूल में। अरे नहीं नहीं, आज सुना नहीं प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे थे? कह रहे थे पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती है। सच बताऊं मैं तो शाम वाले स्कूल में जाने की सोच रहा हूँ। हाँ नाक कटवाओगे? अजी लोग क्या सोचेंगे? तुम भी माँ, लोग तो उल्टा सीधा सोचते ही रहते हैं। देखा था ना बापू की छींक का कमाल, कितनी बड़ी अपशकुनी हो गई थी। ताना मारती है मुझे लाडो रानी है। अरे मैं अपनी प्यारी अम्मा को ताना कैसे मार सकती हूँ? और भगवान अब तो हमारी बिटिया कमाई भी करने लगी है। अब काहे की कमाई जी, अब तो इसके आगे की पढ़ाई पे खर्चा होगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। अरे नहीं नहीं, तुमने सुना नहीं आज प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज से ही हमारी बिटिया को वजीफा मिलेगा। अब हमारी बिटिया खूब पढ़ेगी, खूब नाम रोशन करेगी। सच्ची हमारी बिटिया की वजह से ही आज हमारी बिरादरी में इतनी इज्जत बढ़ी है। अच्छा रमिया की अम्मा एक बात बताओ, देखो सच सच बताना, झूठ मत बोलना। आज जब जलसे में बहन जी ने हम सबको सबके सामने बुलाया तो तुम्हें कैसा लगा? सच्ची बोलो? हाँ मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारी रमिया कितनी सुंदर लग रही थी ना नाचते हुए। बिल्कुल गुड़िया जैसी। जब मैं छोटी थी तो बिल्कुल ऐसे ही नाचती थी। फिर मेरी अम्मा ने बांध दिया मेरे को तेरे बापू के पल्ले। फिर तो क्या नाचती, क्या खेलती, क्या पढ़ती, क्या गाती। अम्मा तुम भी तो मेरे साथ यही करने जा रही थी ना, याद है ना तुम्हें? और मैं भी किसी से कम नहीं था। वाकई ये हम दोनों की मूर्खता ही थी। अब काहे के मूर्ख जी, इतनी सयानी बिटिया के बापू जो ना ये इतनी पढ़ी लिखी होती तो हमें इतना मान मिलता, और जो हम पढ़े लिखे होते तो ऐसे मुंह बांधे खड़े रहते वहां। हाँ ये तो है। खैर रमिया की अम्मा ये बताओ तो तुमने क्या सोचा? चलो ना बापू क्या सोचना।
का कबूतर, का खरगोश, का गमला, का घर, चौ चरखा, छह छतरी, जय जट, जय झंडा, तौ टमाटर, थौ ठठेरा, तौ डमरू, तौ ढक्कन, तौ तरबूज, तौ थन, तौ दरवाजा, तौ धनुष, नौ नल, जलसे में मेरा इनाम जीतना मेरी जिंदगी के लिए एक नया मोड़ था। यदि मैंने अपनी मेहनत से ऐसा हासिल ना किया होता तो ना मुझे वजीफा मिलता और ना ही मैं इतना पढ़ पाती। दूसरे गरीब माँ बाप की तरह शायद मेरे माँ बाप भी कुछ समय बाद आर्थिक तंगी के चलते मुझे स्कूल से निकाल देते। ई से ईट, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से औरत। इधर मेरे माता पिता ने पढ़ना शुरू किया और उधर मैंने अपने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी बहन जी, और प्रिंसिपल साहब के प्रयत्नों से ही मैं आज यहाँ हूँ। मेरा मन आज भी उन्हें शत शत प्रणाम करता है। फिर क्या था, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज तो तुम सभी देख ही रहे हो। मतलब कि? हाँ, मतलब कि तुम्हारी बिटिया भी, लेकिन तब जब तुम सब पढ़ने की शुरुआत करो। भली कही मेम साहब आपने, लेकिन मेरी बात इन लोगों को पल्ले पड़ती ही नहीं। कितनी बार समझाया समझते ही नहीं, लेकिन आज सबको पल्ले पड़ गई। तो आज शाम हम सब कहाँ मिलेंगे? प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में। सुनो, मेरी किताब भाग एक का पहला पाठ पढ़ेंगे, ठीक है? आप सुनो, निकाल लिया अपने लोगों ने? तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे? पढ़िए। छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख। शिक्षा तो मोती है, जीवन की ज्योति है। शिक्षा तो मोती है, जीवन की ज्योति है। जीवन को महकाए, पढ़े पढ़ाए, पढ़े पढ़ाए। शिक्षा सवेरा है वरना अंधेरा है। शिक्षा सवेरा है वरना अंधेरा है। जीवन को महकाए, पढ़े पढ़ाए, पढ़े पढ़ाए। कख ग से ही तो जिंदगी शुरू होती है, जिंदगी शुरू होती है। शिक्षा तो मोती है, जीवन की ज्योति है। शिक्षा तो मोती है, जीवन की ज्योति है। जीवन को महकाए, पढ़े पढ़ाए, पढ़े पढ़ाए। शिक्षा सवेरा है वरना अंधेरा है। शिक्षा सवेरा है वरना अंधेरा है। जीवन को महकाए, पढ़े पढ़ाए, पढ़े पढ़ाए। कख ग से ही तो जिंदगी शुरू होती है, जिंदगी शुरू होती है। शिक्षा तो मोती है, जीवन की ज्योति है। शिक्षा तो मोती है, जीवन की ज्योति है।
Thank you.